नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर ही खबर मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। मैं विवेकानंद यादव। अहले सुबह आज पटना के पुराना बाईपास आदमकुआं के पास चार बच्चे को दौड़ती SUV ने कुचल कर मार डाला और तेज गति से आ रही SUV आगे जाकर पलटी मार दी, जिसके कारण लोग दौड़े गए और SUV के ड्राइवर को पकड़कर इतना पीटा कि ड्राइवर ने भी दम तोड़ दिया। खबर ऐसी मिल रही है कि SUV गाड़ी बहुत ही तेजी से सुबह 4-5 बजे के करीब आ रही थी पुराना बाईपास के समीप, और बगल में हरिजन टोली, जिस हरिजन टोली के बच्चे कार के नीचे आ गए, चार बच्चों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, और फिर गाड़ी भागने के दरमियान में पलटी मार दी, कार से खींच कर निकाल कर लोगों ने ड्राइवर को पीटते पीटते जान से ही मार दिया। सड़क किनारे सोए बच्चे हों या सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने वाले हों या कहीं भी रहने वाले हों, काफी गर्मी है, गुम्मस का दिन है, लेकिन कार चलाने वाले लोगों को भी अपनी गाड़ी धीमी चलानी चाहिए ताकि जान माल की क्षति न हो। आए दिन इस प्रकार की वारदातें होती रहती है। उधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कार चालकों द्वारा 2 महिला को राउंड कर मार दिया गया, जिसके कारण वहां आगजनी सहित रोड जाम सहित लोग सड़कों पर आ गए। तरह तरह की बातें वहां कही जा रही है। छेड़खानी हुई, छेड़खानी में रोका गया तो कार लेकर आया, फिर गाड़ियां चढ़ा दिया। तो यह आम बात हो गई है कि सड़क अगर अच्छी है तो गाड़ी चलाने वाले अपने गाड़ी को तेजी से लेकर जाना चाहते हैं। जरूरत है उन चालकों को गाड़ी पे कंट्रोल रखने की, और ऐसी नहीं कि गाड़ी अगर सुविधा के लिए चला रहे हैं, सड़क अगर सुविधा के लिए अच्छी है तो अब सड़क पर चलने के बजाय लोगों को राउंड दिख दिया जाए तो इससे जान माल की क्षति होती है। उधर पटना में 4 बच्चों को लोन दिया गया, लोगों ने ड्राइवर को पीट कर मार दिया। उधर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में 2 महिला को कार वालों ने रौंद दिया। सड़क जाम है, पुलिस से झड़प हो रही है। तो यह विधि व्यवस्था जो खराब होने लगती है, यह गाड़ी चलाने वाले को भी ध्यान रखना होगा कि हम ठीक से गाड़ी चलावें, धीमी गति से चलावें, और सड़कों पर घूमने वाले सोने वाले को भी ध्यान रखना होगा कि बीच सड़क में जाकर न चलें, सावधानी से चलें और बीच सड़क पर या सड़क के किनारे न सोएं या सड़क पर न टहलें, जिससे गाड़ी आने वाली गाड़ी तेजी से आकर हमें रौंद दे। दोस्तों, हम सबों का कर्तव्य बनता है सड़क पर चलने का, नियम पालन करने का। गाड़ी वालों का भी कर्तव्य बनता है कि गाड़ी का नियम से पालन करे और जान माल की खुद से खुद की रक्षा लोग कर सकते हैं, आगे वाले भी रक्षा करने का प्रयास करें, ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।